हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, और वो भी मिर्ची वाली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और ये मैंने छाछ लिया है 2 गिलास। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे, तो ये मैंने 1 छोटा चम्मच बेसन का लिया है। अब इसमें मिला देंगे जिससे इसमें गुठले ना पड़े। इसको हाथ से भी मिला सकते हो आप। और ये देखिए, मैंने मिला दिया और इसमें गुठले भी नहीं पड़े। अब ये मैंने कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन 4-5 कलियाँ ये मैंने लिया है। ये तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं हरी मिर्च ले लूँगी। और इसको मैंने बीच में से चीरा लगाया है और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके और इसको अलग निकाल देंगे। ये जीरा 1 छोटी चम्मच, राई 1 छोटी चम्मच, ये मेथी दाना 1 छोटी चम्मच, तेज पत्ता, ये 3-4 काली मिर्च और लौंग डाला है मैंने, 1 हींग। और ये मैंने अदरक, लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे अभी इसमें। और इसको हल्का सा भून लेंगे। और अब इसको हल्का भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है। ये भुन चुके हैं तो अब इसमें हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच और ये सूखा धनिया पाउडर डाल के, और सारे मसाले मैंने डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे मसाले जले नहीं। और अभी मसाला तेल छोड़ चुका है तो ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें जो बेसन छाछ का घोल है उसको डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे। मैंने 2 गिलास छाछ लिया है, उसका डबल पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि मेरी छाछ खट्टी है। अगर आपकी खट्टी नहीं है छाछ तो आप कम भी ऐड कर सकते हो पानी। और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आए कढ़ी में, नहीं तो ये फट जाएगी, तो वो हमारी कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, उबाल भी आ चुका है कढ़ी में। अब इसको 15 मिनट उबालेंगे कढ़ी को, जिससे हमारी कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। ये मैंने नमक डाल दिया 1 चम्मच और ये देखिए पक चुकी है हमारी कढ़ी। तो अब इसमें कटा हुआ धनिया, ये कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का। और जो ये मिर्चियाँ फ्राई की थी वो डाल देंगे अभी इसमें ऊपर से, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने 1 चम्मच छोटी वाली घी गरम किया है, उसमें जीरा, राई और 1 लाल मिर्च का टुकड़ा और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे कलर अच्छा आ जाए कढ़ी का। ये मैंने डाल दिया तड़का, इसमें कटा हुआ धनिया वो डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।